दिल से वेलकम भी करते हैं और एडवांस में मुबारकबाद भी देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं कोई बहुत पब्लिक स्पीकर नहीं हूं, कोई रह गया हो तो मुझे माफ करे। मखदूम साहब, चंद दिन पहले इसी चौराहे पे एक सर्कस लगा था, उसमें सिंध के, पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के टॉप क्लास कॉमेडियंस आके यहां पब्लिकली बात कर रहे थे। मखदूम साहब एक एमेच्योर कॉमेडियन, छोटा हमारा बच्चा, हमारे हाथों में पला हुआ बच्चा, कहता है घबरा गए हैं और घबराहट कहां से नजर आई उन्हें, कहते हैं खान साहब घबरा गए हैं इसलिए इतने सारे फेडरल मिनिस्टर्स की पलटन सिंध में भेजी है। भाई ठीक है, दो मिनिस्टर्स को अगर आप पलटन समझते हैं तो डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा गरीब बदीन का एक मेहनतकश मजदूर, उसके खिलाफ तो आपने पूरी सिंध से पलटने यहां भेजी थी। तो मखदूम साहब, मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं, आप भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, मेरी तरह आप भी उनसे उनके चाहने वालों में शामिल थे। जब इलेक्शन हुई तो जितने भी सराउंडिंग्स में भुट्टो साहब के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, एक जोकर कल यहां तकरीर करके गया जो सिंध का सदर भी है, ड्रंक होके डेली उसको उठा के कार में बिठा के घर पहुंचाया जाता है, जिसने भुट्टो साहब की शहादत पे, ये रिकॉर्डेड फैक्ट बता रहा हूं, लाड़खाना में मिठाई बांटी थी, आज वो सिंध का सदर है। जिन लोगों ने मोहतरमा की शहादत पे यहां मिठाइयां बांटी, झूठे केस करवाए, हमारे साथियों को मरवाया, FIRs मौजूद हैं, वो अब जरदारी के यार हैं।
इसलिए कि अब पीपल्स पार्टी को हेड नॉन भुट्टो करता है और सौदागर, हमारे पास एक तंजीम है सौदागराने पंजाब, ये सौदागराने आवाम है। कुछ दिन पहले जितने क्रिमिनल्स, जितने बदमाश यहां पे हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ये सब जानते हैं, कोई ये होते हैं ढगे, हमारे पास जो खेत में हम चलाते हैं ढगा चोर, मोटरसाइकिल चोर, चर्स बेचने वाले, सफीना बेचने वाले, थर्रा बेचने वाले, केर तो सफीना विक्रे उदाओ शाह साहब के, तो मखदूम साहब यहां का हर घर जरदारी लीग से अफेक्टेड है, हर घर में माएं बहनें रोती हैं और कहते हैं कि हमारे जो वारिस हैं वो सब एडिक्ट हो गए हैं। और आप यकीन जाने कि इनके एमपीएस या हारे हुए या जीते हुए या हारे हुए एमएलएस ये धंधा करते हैं, नशे की चीजें बेचते हैं। और शाह साहब मैं ये चीजें खुल्लम खुल्ला कहता हूं, करप्शन के खिलाफ, नारकोटिक्स के खिलाफ, इसलिए कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार जिसने हमको पैदा किया उससे डरता हूं, मैं किसी जरदारी जोकर से नहीं डरता। क्योंकि स्कूल डेज कॉलेज बार बार साहब बैठे हैं, ये भी उसी कॉलेज से पढ़े। मैं जरदारी को बॉक्सिंग सिखाता था तो मुझे पता है कि उसको नॉकआउट कैसे किया जाता है। या कोई भी सही बात करेगा या शराफत किसी को हिदायत करेगा उसके लिए पीपल्स पार्टी में जो जरदारी लीग है उसमें कोई जगह नहीं है। मैं कितने पैसे इधर में हो जाऊंगा, कुछ दिन पहले, महीना डेढ़ हुआ है, एक हमारे एमएनए साहब हैं, खानदानी है, उनका वालिद साहब चीफ मिनिस्टर सिंध रहा है, थोड़े से वोटों से मेरे छोटे बेटे से इलेक्शन जीत गया। अब वो एमएनए है, जब लोगों ने शिकायतें पहुंचाई तो उसने
और एमपीएस और मिनिस्टर्स जो हमारे जिले से हैं उनके लिए बोला, ये गुगू हैं, गुगू गुगू हम बोलते हैं सिंधी में सायरन को। यह बहुत लोग शौकीन हैं कि गाड़ी हो जिसपे सायरन लगा हो और कहते हैं फिरड़ी कुर्सी उजे, कुर्सी घूमने वाली। तो एक देव अनपढ़ जायन मिनिस्टर बन गए या एमपीए बन गए, उनको मीर साहब एमएनए ने कहा ये गुगू हैं, मतलब हर वक्त सायरन बजा के घूमते हैं। वैसे ही खैर सगाली अपने घर जा रहे हैं सायरन बजा के, तो लोगों को बोला ये गुगू जो हैं ये जाके ऊपर शिकायतें करते हैं। और उन्होंने बयान दिया जो कि मीडिया में आया, दो दिन में गरीब की ऐसी हालत की कि वो भूल गया कि वो एमएनए है। फिर सोशल मीडिया पे इसको कागज दिया गया कि ये पढ़ो और इन्हीं अल्फाज में माफी मांगो। उस बेचारे ने आके सामने, उसको डर लगा मैं ये नहीं करूंगा। बहुत फर्टाइल उसकी जमींदारी है, बहुत अच्छे आम के बागात हैं। उससे मांगे भी पहले गए थे कि टिकट देंगे लेकिन इतने एकड़ बाग हमको दो, जो कि उसने वादा पूरा नहीं किया, तो टारगेट में वो था पहले ही। तो उसको बेचारे को डर दिया कि हम जमीनें कब्जा कर लेंगे वरना ये माफीनामा पढ़ो। सर झुका के आंखें नीची करके उसने माफीनामा पढ़ा। तो ऐसे लोग इस पार्टी में कामयाब हैं। जो भी गैरत की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, हुस्नैयत पे चलेगा, यजीदियत को खिलाफ जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत देर भी हो गई है मुकर्रर, और सब लोग ये मखदूम साहब को सुनने आए हैं, इसलिए मैं तो ये टकरे मारता रहूंगा आइंदा भी इंशाअल्लाह। मैं मखदूम साहब भदीन की मासूम गरीब लाचार बीमार भूखी आवाम से की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं। यह हमारी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचाएं, जो भी टेक्निकली डिफिकल्टी है उसको रिमूव करें और हेल्थ कार्ड हमारे इन मजलूमों को भी दिया जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिए अवाम, जिए